ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन शेड्स कॉलेज द्वारा ठोडो मैदान में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में शेड्स कॉलेज ऑफ लॉ और होटल मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना को जागृत करना था। सोलन शेड्स कॉलेज द्वारा ठोडो मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में शेड्स कॉलेज ऑफ लॉ होटल मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना को जागृत करना था। कॉलेज के पदाधिकारी ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन इसलिए किया गया ताकि विद्यार्थियों में खेल भावना का प्रवाह हो और उनमें टीम भावना जागृत हो। उन्होंने बताया कि आज के युवा का नशे की ओर रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें खेल के प्रति जागरूक करना हर शिक्षण संस्थान का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसलिए चुने हुए खिलाड़ियों को जल्द ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजने का प्रयास किया जाएगा। आज शेड्स कॉलेज ऑफ लॉ और होटल मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे विभिन्न विभिन्न प्रकार के गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, आपका वॉलीबॉल, शॉट पुट में पार्टिसिपेट बच्चों ने किया। स्टूडेंट का उत्साह देख के हमें ये लगता है कि हमें स्टूडेंट्स को आगे भी अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे आगे भेजेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इस चीज़ों से सीखेंगे। ये जो गेम्स जो कराई जाती हैं उसका मेन मकसद ये भी होता है कि स्टूडेंट हमारे थोड़े नशों से दूर रहें, खेलों के प्रति जागरूक हों। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे और आगे फ्यूचर की तरह इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और फ्यूचर में इसमें बनाने की कोशिश भी करेंगे अपना फ्यूचर। सत श्रीकाल पांडे, सेट्स चोटी सेट्स कॉलेज। ये जो गेम्स हमने आयोजित किया है इसके माध्यम से बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह फिट रहेंगे और इससे क्या होगा कि उनको टीम लीडिंग का और जो टीम बिल्डिंग करना होता है इससे क्या होता है कि वो बच्चे मिलके हमारे जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो जो सर ने हमारे बताया कि नशे से दूर रहेंगे, इन सब चीज़ों से बैड जो इनकी हैबिट होती है इन सब से दूर रहेंगे।